हमीरपुर के सांसद अनुराग ठाकुर ने सांसद भारत दर्शन योजना का शुभारंभ किया। इस मौके पर 40 छात्राओं का पहला जत्था हमीरपुर से दिल्ली के लिए रवाना हुआ और छात्राओं की हवाई जहाज से यात्रा बेंगलुरु और पुणे के लिए होगी। हमीरपुर सर्किट हाउस में छात्राओं के दल को सांसद अनुराग ठाकुर ने शुभकामनाएं देकर रवाना किया। सांसद भारत दर्शन के तहत चयनित हुए छात्राओं ने सांसद का धन्यवाद करते हुए कहा कि इस तरह की योजना से बच्चों में पढ़ाई के प्रति मोटिवेशन आएगी और वे परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। ये छात्र इसे एक सराहनीय कदम बता रहे हैं और इन छात्रों का मानना है कि ये अपने आप में ही एक अलग योजना है जिसे सभी पसंद कर रहे हैं। हेलो, माय नेम इज एडविन एंड आई एम फ्रॉम हिमाचल प्रदेश कांगड़ा GSS ड्रो। आई हैव स्टडीड इन अ गवर्नमेंट स्कूल एंड आई हैव गॉट थर्ड मेरिट इन हिमाचल प्रदेश एंड टुडे वी आर गोइंग टू बैंगलोर एंड दिल्ली टू मीट आर प्रेसिडेंट एंड देन वी विल गो टू बैंगलोर एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस एंड आई वुड लाइक टू स्पेशली थैंक मिस्टर अनुराग ठाकुर जी आर सांसद who had taken such a great initiative for the meritorious students and it is the best gift for the meritorious students and we are very proud of him and we are just very thankful to him for providing us such a great opportunity and it is the best gift for us. I am Kangshi Thakur from Green Valley School Jahu and I took 9th position in Himachal Pradesh Board of School Education in 10th class and today I am feeling very great in today going to Pune for a trip on the behalf of Sansad Bharat Darshan Yojana. And I am very thankful for the Honorable Sansad of Hamirpur District for this great opportunity. And for me, no one has given such a great opportunity for us ever. And so I am very, very thankful to our Sansad. I am special thankful for Anurag Thakur ji who achieved our great opportunity to going Pune. So I very thankful to Anurag Thakur ji who give opportunity to went Pune. Thank you. छात्राओं के परिजनों ने भी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि इस तरह सांसद भारत दर्शन योजना का बच्चों को काफी लाभ मिलेगा और बच्चों को काफी कुछ सीखने को मिलेगा। उन्होंने बताया कि ये योजना छात्रों के लिए काफी मददगार साबित होगी। हिमाचल प्रदेश में मेरी बेटी ने थर्ड मेरिट साइंस में ली है और इस टूर पर बच्चों को जो मेधावी छात्रों को जो भेजा जा रहा है इसके लिए हम अनुराग ठाकुर जी जो हमारे सांसद हैं उनके बहुत बहुत धन्यवादी हैं। उन्होंने ये सबसे बड़ी पहल की है और इससे हमारे बच्चे बहुत खुश हैं। तो नेक्स्ट वैसे में हम चाहते हैं कि वो भी बहुत ऊंचाइयों तक पहुँचें क्योंकि उन्होंने मेधावी बच्चों के लिए बहुत बड़ी जो है ये पहल की है। बच्चे बहुत खुश हैं इससे। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि अनुराग ठाकुर जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो हम बच्चों को भारत दर्शन के लिए ले जा रहे हैं। बहुत खुशी हूँ आज मेरी बेटी भारत दर्शन के लिए जा रही है। मैं अनुराग ठाकुर जी का बहुत बहुत आभारी और धन्यवाद करती हूँ कि उनकी वजह से हम पेरेंट्स को भी सम्मान मिल रहा है और हमारे बच्चों के लिए अच्छा मार्गदर्शन मिल रहा है। इससे और बच्चे भी प्रेरित होंगे आगे आने वाले बच्चे अच्छे भविष्य के लिए। अनुराग ठाकुर जी का धन्यवाद। सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि एजुकेशन के साथ साथ एक्सपोजर विजिट भी जरूरी है जिसको देखते हुए उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र में सांसद भारत दर्शन योजना का शुभारंभ किया है। उन्होंने कहा कि 250 छात्र छात्राएं इसके लिए चयनित किए गए हैं जिनमें से 40 का जत्था रवाना हो रहा है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए प्रदेश सरकार को भी इस तरह की योजना चलाई जानी चाहिए ताकि बच्चों को इससे फायदा मिल सके। मैंने अपने हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के मेधावी छात्रों के लिए जिन्होंने 10वीं और 12वीं में बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है उनको एजुकेशन के साथ साथ एक्सपोजर यानी कि अच्छी शिक्षा के साथ देश भर में अलग अलग संस्थाओं को देखने का, बड़े व्यक्तियों से मिलने का, देश को जानने समझने का और अपने भविष्य को निखारने के लिए सांसद भारत दर्शन योजना की शुरुआत की है। मुझे लगता है शिक्षा के साथ हमें जितना एक्सपोजर मिलता है उसका एक बहुत बड़ा महत्व रहता है। जब तक हम दुनिया देखते नहीं तब तक हम अपने आप को उस तरह से तैयार नहीं कर पाते। मुझे अपने जीवन में जब क्रिकेट खेलता था तब देश भर में घूमने का अवसर मिला, उसका एक लाभ मिला है जिंदगी में काम करने का भी। मुझे लगता है हमारे यहाँ के छात्रों को उस तरह की सुविधाएं नहीं मिल पाती। तो मैंने अपनी ओर से शुरुआत की है कि अपने संसदीय क्षेत्र के लगभग 250 छात्र छात्राओं को
देश के अलग अलग स्थानों पर हवाई जहाज के माध्यम से लेकर जाएंगे और पहला बैच जो 40 छात्रों का है वो हमने चुना है और वो अब आज शाम को यहाँ से निकलेंगे। कल दिल्ली से उनकी बेंगलुरु और पुणे की फ्लाइट्स हैं और 5-7 दिन लगाकर जब वो आएंगे तब आप उनका अनुभव पूछ सकते हैं, क्योंकि जहाँ वो जा रहे हैं वहाँ पर IIT, IIM, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, बहुत बड़े बड़े बाकी सेंटर्स पर उनको जाने का अवसर मिल रहा है। देश की संसद, राष्ट्रपति भवन से लेकर बाकी वरिष्ठ लोगों से मिलने का अवसर मिल रहा है, जो शायद मेरे हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के बच्चों को पहले नहीं मिल पाता। मैंने वो देने का एक प्रयास किया है और मुझे आशा है इस कार्यक्रम की सफलता के बाद राज्य की सरकार भी इस दिशा में कुछ शुरू करे तो हमारे बहुत सारे होनहार छात्रों को लाभ मिल पाएगा। गौरतलब है कि हमीरपुर के सांसद अनुराग ठाकुर ने परीक्षाओं से पहले ये घोषणा की थी कि जो छात्र छात्राएं पढ़ाई में अव्वल नंबर लेंगे उन्हें सांसद अपने खर्च पर पूरे देश भर में हवाई यात्रा करवाकर पुरस्कृत करेंगे। इसी के चलते 250 छात्र छात्राओं को चयनित किया गया और सांसद भारत दर्शन योजना के तहत अलग अलग जगहों पर भ्रमण के लिए जाएंगे। योजना के तहत 40 छात्राओं का पहला जत्था हमीरपुर से भ्रमण के लिए रवाना हो गया।